मन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः स्थाणु मन्ये नु संयन्ति यथा कर्ण यथा श्रुतम्। कठोपनिषद का घोष है कि अज्ञानी और देह अभिमानी अपने कर्मों और चिंतन के अनुरूप कई शरीर धारण करते हुए अनेक योनियों में भटकते रहते हैं। अन्य कुछ लोग स्थावर भाव को प्राप्त होते हैं। जब तक जी किश्तों में जी उधार कर पर सुख से जी किश्तों में जी। ए, किश्त में जीने वाले विदूषक, मैं यहाँ हूँ, तुम कहाँ जा रहे हो? सूत्रधार, मैं पांचों इंद्रियों और मन के विषयों के चरागाह को चरने जा रहा हूँ। हाँ। जो आँख, कान, नाक, जीभ और स्पर्श को अच्छा लगे उसे जीने जा रहा हूँ। अच्छा। जेब में नगदी है? उधार ले लूंगा। क्या आजकल उधार देने वाले ढूंढ ढूंढ कर उधार दे रहे हैं? और यदि तुम उधार नहीं लौटा सके तो? यदि पुनर्जन्म होता हो तो इस जन्म की मार उस जन्म में पड़ेगी। सूत्रधार, क्या सचमुच पुनर्जन्म है? क्या सचमुच कोई कर्म सिद्धांत है? विदूषक, यदि तुम सच में जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें कर्म सिद्धांत और पुनर्जन्म समझाने के लिए एक कथा सुना सकता हूं। जल्दी जल्दी गुरुदेव सुनाओ, जल्दी। सुनाता हूं। तो सुनो, बहुत समय पहले की बात है, शूरसेन प्रदेश के एक राजा थे चित्रकेतु। चित्रकेतु की अनेक पत्नियां पर संतान एक भी नहीं। चित्रकेतु के भाग्य से एक दिन अचानक ऋषि अंगिरस उनके घर आ गए। महर्षि, आपकी कृपा से मेरे पास अभेद्य दुर्ग है, कुशल मंत्री हैं, विद्वान गुरु हैं, संपन्न कोश है, पराक्रमी सेना है और सहृदय मित्र हैं। बस अभाव है तो पिंड दान करने वाले एक पुत्र का। प्राचीन काल से लेकर आज तक पुत्र की कामना इतनी प्रबल क्यों है सूत्रधार? परंपरा से कुछ लोगों के मन में बैठी धारणा कि पुत्र ही अपने पिता के मोक्ष का कारण होता है, जबकि श्रीमद् भागवत में कई स्थानों पर इस बात का खंडन किया गया है। महाराज परीक्षित ने अपने प्रयत्नों और समर्पण से मुक्ति पाई, अपने पुत्रों की प्रार्थना या पिंडदान से नहीं। तो महर्षि अंगिरस ने क्या कहा? राजन, संतानों का न होना, पुत्र का न होना अभाव नहीं है, अशुभ नहीं है। जिनके पुत्र हैं वे भी कहां मुक्त हैं। चित्रकेतु के बार बार कहने पर महर्षि अंगिरस ने पुत्र कामना की पूर्ति के लिए एक यज्ञ किया और उस यज्ञ का प्रसाद चित्रकेतु की पत्नी कृतद्युति को दिया। राजन, तुम्हारी इच्छा अनुसार मैंने यज्ञ संपन्न किया। समय रहते तुम्हारी पत्नी के गर्भ से एक पुत्र होगा जो तुम्हारे हर्ष विषाद और सुख दुख का कारण होगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए। कृतद्युति के हर्ष से तुम्हें क्यों विषाद हो रहा है कांचनवर्णा? विषाद सिर्फ मुझे ही नहीं, हम सबको होना चाहिए। क्यों? क्योंकि महाराज ने सिर्फ कृतद्युति को ही पुत्र पाने के योग्य समझा,
यज्ञ प्रसाद हम में से किसी को भी मिल सकता था। कृत्युति में ऐसी क्या बात थी कि पुत्र पाने के लिए उसे ही योग्य समझा गया? शायद ऋषि अंगिरस ने ही। चुनाव ऋषि अंगिरस ने नहीं, हमारे पति चित्रकेतु ने किया था। अब जो होना था सो हो गया, अब जी जलाने से क्या फायदा। आज मैं ईशा की आग में जल रही हूँ, एक दिन तुम भी जलो। क्या बात है राजन, पिछले कुछ दिनों से आप चिंता में डूबे दिखाई दे रहे हैं। न जाने महर्षि अंगिरस ने ये क्यों कहा कि तुम्हारा पुत्र तुम्हारे हर्ष और विषाद का कारण होगा। पुत्र हमेशा ही माता पिता के हर्ष और विषाद का कारण होते हैं। यदि पुत्र आज्ञा में रहे तो हर्ष, आज्ञा में ना रहे तो विषाद। तो क्या मेरा पुत्र मुझसे द्रोह करेगा? कल्पना भी मनुष्य को कितना विचलित कर देती है। जो भविष्य अज्ञात है उससे कैसा भय राजन। कहीं हमारी इच्छा ही तो हमारे दुखों का कारण तो नहीं। बधाई हो राजन, महर्षि अंगिरस की वाणी सच हुई, महादेवी ने पुत्र को जन्म दिया है। बधाई हो महाराज, बधाई हो। बधाई तुम सबको हो। वो कृतयुति का पुत्र नहीं, तुम्हारा भी पुत्र है, इसलिए उसे अपना पुत्र मानकर ही अपने पुत्र जैसा स्नेह देना। क्या हम नन्हे कुमार को देखने आपके साथ चल सकते? पहले मैं ज्योतिषियों से सलाह तो कर लूं। गोधूली के समय महाराज का कुमार का मुख दर्शन ठीक रहेगा, दूसरी रानियां भी उसी समय मुख देख सकती हैं। कुमार का भविष्य कैसा है? कुमार माता पिता के हर्ष और विषाद का कारण होगा। यानी? जीवन सीधी रेखा नहीं है देवी, जीवन लगातार घूमता पहिया है। सुख है तो दुख है, हर्ष है तो विषाद है। आयुष्य पर्याप्त है। राजन, कहो। देवी आपसे मिलना चाहती है। देवी से कहना समय मिलते ही मैं उनके पास आऊंगा, उन्हें मुझे इस तरह बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं। कृतयुति के अलावा अब महाराज के पास किसी और के लिए समय है? तुम्हारे बिना तो महाराज एक दिन भी नहीं रह पाते थे। मेरे घाव पर नमक मत छिड़क, बनाना तो वो हम सबको तुच्छ ऐसा चाहते थे। अब दासियों से ज्यादा मेरा कोई मूल्य नहीं, शायद हम सबका। कांचन, ना तो तू दासी हो सकती है और ना ही हम सब। हमें महाराज चाहिए। अब बता हमें क्या करना चाहिए? सब मेरे साथ रह सकोगी? हाँ। जरूरत पड़ने पर किसी के प्राण ले सकोगी? किसके? कृतयुति के? नहीं, वो जो महाराज के मोह का कारण है। तू बड़ी भाग्यवती है कृतयुति, तुझे महाराज का स्नेह भी मिला और पुत्र भी। मुझे तुझसे ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या? महाराज तुम्हें भी प्रेम करते हैं और मेरा पुत्र तुम्हारा ही तो है। ये तो तुम्हारा बड़प्पन है, वरना पुत्र प्रेम से तो हम सब वंचित ही रहीं। अपरा, अपरा, तुम ही कुमार को गोद में खिलाती रहोगी या हमारे पास भी लाओगी? देवी, कुमार, कुमार की आंखें पथरा गई है।
को। कुमार को क्या? विष दे दिया महाराज। राजन, ऋषि अंगिरस और देवर्षि नारद आए हैं। इस समय उन्हें यहीं ले आओ। महर्षि, आपकी वाणी सच हुई। लो, ये रहा आपके सामने मेरे हर्ष और मेरे विषाद का कारण। चित्रकेतु, हर्ष और विषाद यह तुम्हारे बुद्धि का फेर है। मन को अच्छा लगा तो हर्ष, मन को बुरा लगा तो विषाद। पर सच तो यह है कि वरना तुम्हारे लिए हर्ष था न विषाद। आपकी सांत्वना भी मुझे दुख दे रही है महर्षि। अंधेरे से बाहर निकलो राजन। आखिर क्या संबंध था तुम्हारा इस शरीर से? क्या संबंध था? वो मेरा पुत्र था महर्षि। चित्रकेतु, जिसे तुम अपना पुत्र कह रहे हो, इस संसार में आने से पहले वो तुम्हारा क्या था? पिछले जन्म में वो तुम्हारा कौन था? तुम उसके क्या थे? और इस जन्म के बाद अगले जन्म में तुम्हारा उससे क्या संबंध होगा? जैसे समुद्र में बह रहे लकड़ी के कूंदे कुछ देर के लिए एक दूसरे से मिलते हैं और फिर अलग हो जाते हैं, वैसे ही सारे रिश्ते कुछ क्षण के होते हैं चित्रकेतु। इसलिए शोक मत करो। ये विषाद ही सत्य था तो आपने मुझे पुत्र क्यों दिया था महर्षि? पुत्र तुमने मांगा था चित्रकेतु, तुमने मांगा था पुत्र राजन। अब तुम्हें स्वयं अनुभव हो रहा है कि जिसे पाने में तुम्हें सुख का अनुभव हो रहा था उसे खोने पर तुम्हें दुख हो रहा है। सच तो यह है कि स्त्री धन, ऐश्वर्य संपत्ति, राज्य वैभव, पृथ्वी सेना, कोष, सेवक, मंत्री, सगे संबंधी, मित्र आदि सभी अनित्य हैं। एक दिन सभी नष्ट हो जाने वाले हैं। जो अनित्य है उसका शोक मत करो राजन। इसलिए अपने मन को शांत करो, स्वस्थ करो और उसी मन के द्वारा अपने वास्तविक स्वरूप पर विचार करो और द्वैत भ्रम को छोड़कर स्वयं को शांति स्वरूप परम आत्मा में स्थित करो। भगवान, यहां मेरा पुत्र मरा पड़ा है। मेरी पत्नी बार बार बेहोश हो रही है। ऐसे में कोई कैसे परम आत्मा में स्थित होने का विचार भी कर सकता है? राजन, तुम व्यर्थ ही विषाद व्यक्त कर रहे हो। तुम्हारे पुत्र के रूप में जिस जीव आत्मा ने इस देह को धारण किया है, मैं उसका आह्वान करता हूं। शायद इसी से तुम्हारा शोक दूर हो। भागवत पुराण कहता है कि देवर्षि नारद ने अपनी दिव्य शक्ति से चित्रकेतु के पुत्र की जीवात्मा को बुलाया। आपने मुझे क्यों बुलाया देवर्षि? हे जीवात्मा, देखो तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे माता पिता का क्या हाल है। तुम्हारा पूरा परिवार शोक से व्याकुल है, इसलिए तुम वापस इस शरीर को धारण करो। देवर्षि, मैं अपने कर्मों के अनुसार कई जन्मों से देवता, मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधों और न जाने कितनी योनियों में भटक रहा हूं। ये दोनों किस जन्म से मेरे माता पिता हुए मुझे पता नहीं।
वैसे मेरे हजारों माता पिता हैं, तो केवल इन दोनों को ही मैं अपने माता पिता कैसे मान लूं? और सच्चाई यह है कि मेरे कोई माता पिता नहीं। भिन्न भिन्न जन्मों में सभी एक दूसरे के रिश्ते नाते, भाई बंधु, मित्र शत्रु, उदासीन मध्यस्थ और द्वेषी होते रहते हैं। सोना चांदी आदि खरीदने बेचने लायक वस्तुएं भी एक व्यापारी से दूसरे व्यापारी के पास आती जाती रहती हैं। वैसे ही जीव भिन्न भिन्न योनियों में अलग अलग शरीर बदलते रहता है। देवर्षि, आप तो जानते ही हैं कि जीव नित्य और वास्तव में अहंकार रहित है। वह गर्भ में प्रवेश कर जब तक जिस शरीर में रहता है, तब तक ही वह उस शरीर को अपना समझता है। और जो जीव नित्य, अविनाशी और स्वयं प्रकाशमान है, उसके लिए जन्म और मृत्यु कुछ नहीं होता। इसका न कोई प्रिय है, न कोई अप्रिय, न अपना न पराया। इसलिए देवर्षि, मैं इस शरीर में वापस नहीं आ सकता। मुझे अब नई योनि में जन्म लेकर ही संसार में आना होगा। सूत्रधार, क्या इसका अर्थ यह हुआ कि वासनाएं ही पुनर्जन्म का कारण है? तुमने ठीक समझा विदूषक। हमारा प्रत्येक कर्म और इच्छा हमारे मन और बुद्धि पर अपनी छाप या संस्कार छोड़ जाते हैं। मन पर पड़े यही संस्कार ही वासनाएं कहलाती हैं। वासनाएं ही हमारे विचार और उससे उत्पन्न हमारे कर्मों का प्रेरक बल है। वासनाएं ही पुनर्जन्म का मूल है। वासनाएं हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करती हैं, और जब उन वासनाओं का क्षय नहीं होता तो हमारे कारण शरीर में अव्यक्त रूप में बची रहती है, जिसके कारण एक पूरा जन्म समाप्त होने के बाद भी उन बची हुई वासनाओं के कारण जीव को फिर से जन्म लेना पड़ता है, ताकि वो अपनी वासनाओं को खत्म कर सके। यानी जब तक वासनाएं हैं तब तक जन्म है। देवर्षि, तो फिर इस आवागमन को रोकने का मार्ग क्या है? मन बुद्धि उपकरण का शुद्धिकरण और उसके अनंतर आत्मज्ञान। यानी प्रतिक्षण मन में हो रही अनियंत्रित प्रतिक्रियाओं का नियंत्रण, यानी धर्म पालन और नीतिपूर्ण विचारों का मनन, पठन पाठन मन बुद्धि को शुद्ध करते। जब तक वासनाएं हैं तब तक इच्छाएं हैं, जब तक इच्छाएं हैं तब तक पुनर्जन्म। कर्म के इस सिद्धांत को समझ जो क्रिया और प्रतिक्रिया के परे चला जाता है, वह जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। सूत्रधार, क्या इसका अर्थ यह हुआ कि हमारा भूत, भविष्य और वर्तमान हमारे भाग्य पर ही निर्भर करता है? क्या हम अपना भाग्य बदल नहीं सकते? विदूषक, हमारे भूतकाल के कर्म ही हमारे आज की रचना करते हैं, और हमारे आज के कर्म हमारे आने वाले कल का भविष्य बनाते हैं। हमारा आज हमारे बीते हुए कल का परिणाम है, और हमारा आने वाला कल हमारे आज का। इसी को कर्म सिद्धांत कहते हैं। इसलिए हमारा भाग्य हमारे ही हाथों में है। शास्त्र में इसी भाग्य को प्रारब्ध कहते हैं। जीवन में जो ऊंचा नीचा हम देखते हैं वही प्रारब्ध है। हम उसका किस तरह से सामना करते हैं वो है हमारा पुरुषार्थ। स्वप्रयत्न ही पुरुषार्थ है।
भगवत गीता में कहा गया है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। क्या मनुष्य योनि में जन्म सिर्फ एक घटना है या मनुष्य योनि में जन्म एक अवसर है? क्या है मनुष्य जीवन की सार्थकता? देखिए अगले प्रकरण में मनुष्य जन्म महिमा में महाकवि तुलसीदास की वह यात्रा जिसने रामचरितमानस को जन्म दिया। Swarupa, Bhuyat Prasanna Sashiva Swarupa.